आज हमारा बहुत 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 बड़ा सौभाग्य है कि जी हमारी हमारा जन्म तो अव्यक्त पालना से हुआ है, ब्रह्मा बाबा की और मम्मा की। लेकिन आज हमारे साथ आदरणीय राजयोगिनी, हमारी वरिष्ठ दीदी कैलाश दीदी जी हमारे साथ जुड़ी है, जिन्होंने जैसे कि बाबा मम्मा से स्पेशल पालना ली है। पालना तो ली है, लेकिन स्पेशल स्पेशल पालना से आप पले हुए हैं। कैलाश दीदी जी मुख्य हिमाचल से थे हैं, और उन्होंने आपने 1958 में केवल 11 वर्ष की छोटी आयु में अपना जीवन ईश्वरीय कार्य में समर्पित किया है। आप यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा का की साकार पालना में पले अनमोल रतन हैं, जिनको स्वयं परमपिता परमात्मा ने लौकिक और अलौकिक दोनों पढ़ाई पढ़ाई है। बाबा की आज्ञा के अनुसार आप हिमाचल पंजाब राजस्थान में आपने सेवा दी है। पिछले 50 वर्ष से आप गुजरात में और 10 वर्ष से उसमें भी 10 साल आप अहमदाबाद में और फिर अभी गांधीनगर सेवा केंद्र में आप स्थित हैं। और दीदी ने इंटरनेशनली भी ट्रैवल करके बहुत सेवाएं प्रदान की है। उसके अतिरिक्त आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा ह्यूमन राइट्स फॉर पीस का अवार्ड भी आपको सम्मानित किया गया है। गुजरात राज्य की ओर से महिला शक्ति अवार्ड एवं गुजरात राज्य के महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के हस्तों से लाइफ टाइम ऑफ अचीवमेंट अवार्ड द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया है। 2004 में यूनाइटेड नेशन के एक एनजीओ द्वारा इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पिरिचुअल ट्रेनिंग टीचिंग से भी आपको सम्मानित किया गया है। इन सब अवार्ड से भी ज्यादा सबसे बड़ा अवार्ड जो हमारे लिए है वो है कैलाश दीदी का प्यार। कैलाश दीदी का प्यार इतना इतना मीठा है कि वो सचमुच हमें बाबा के दिल से इतना करीब लाते हैं, बाबा की पालना की महसूसता कराते हैं, जो हमने पर्सनली उनसे ली है। और आप में से कितने हैं जो मिले हुए हैं, हाथ उठाइए। दीदी से मिले हुए हैं, पर्सनली दीदी से मिले हुए हैं, पालना ली है ना। कई आत्माएं जो है उन्होंने पालनाएं ली है दीदी से, और वो बहुत बहुत दीदी की सराहना करते हैं। तो दीदी जी से आज हम बाबा के साथ के और मम्मा के साथ के विशेष अनुभव सुनेंगे। ओम शांति दीदी। आपका अनुभूति परिवार चंद्रू दीदी, हेमा दीदी और गीता दीदी के और हंसा दीदी के पूरे वेस्ट कोस्ट की तरफ से आपका बहुत 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 हम हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू। मैं सभी बहनों को और सभी क्लास के जितने भी भाई बहन हैं, सभी अमेरिका के सब भाई बहनों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया मान रही हूँ कि आप सब ने हमारे को याद किया और अपने पास बुला लिया। वैसे तो देखो, हमारे को जानकी दादी ने काफी समय से, लगभग 16-17 साल से, दादी बार बार कहती थी कि आप अमेरिका जाओ जाओ, परंतु हमने ऐसा कुछ प्रोग्राम ही नहीं बनाया। लेकिन एक बार जब हम दादी को मिलने के लिए गए तो दादी ने मना बोला, कैलाश मन ऐसे में मधुबन में ही थी, पर दादी ने बुलाया अपने पास कि कैलाश को बोलो दादी याद कर रही है। तो हम तीन बहनें दादी के पास गई तो दादी ने बोला, कैलाश। मैंने बोला जी। बोला देखो, दादी आपको कह रही है कि आप जल्दी से जल्दी अमेरिका जा करके जो कुछ आपको मम्मा बाबा ने दिया है वो सबको देकर के आओ। तो वैसे मैं थोड़ा ठंडा ठंडा जवाब देती थी कि भले दादी, ऐसे छोड़ देती थी, लेकिन दादी
दादी ने जब बोला कि जल्दी जल्दी तू जो कुछ तेरे को बाबा ने मम्मा ने दिया है वो देकर के आओ, तो मुझे ऐसा लगा कि आज तक दीदी दादी ने ऐसे नहीं बोला है, आज पहली बार दादी ऐसे बोल रही है। दादी ने बोला जल्दी जल्दी देके आओ, तो मेरे को ऐसा लगा कि वैसे भी हमारी उम्र बहुत छोटी दिखाते हैं कि भी कभी भी शरीर छोड़ सकती है, तो हमारे को हुआ कि ऐसा दादी बोली और पहली बार ऐसे ढंग से बोली, तो हो सकता है मेरे जाने का समय आ गया है और जो कुछ मम्मा बाबा ने दिया है। दादी ने बोला तूने यहाँ तो सुनाया, लंदन में भी दो बार आ गई, लेकिन तू अभी अमेरिका जाकर के सबको सुना के आओ। तो मैंने दादी को बोला कि दादी भले। दादी ने तुरंत का तुरंत जयंती बहन को बुलाया, वहीं मधुबन में ही थी, और बोला कि देखो जयंती बहन, आप ये कैलाश जो है ना इसके लिए फोन करो मोहनी दीदी को कि इसका मना कागज वगैरह बनावे और अमेरिका में कहाँ कहाँ कितना समय ठहरना है, तो जयंती बहन ये आप लिस्ट बनाओ और मोहनी दीदी जल्दी इनके कागज बनावे और इसको विदेश भेजो। मैंने बोला भले, तो के चार लिस्ट बनाओ, एक मोहनी दीदी को दो, एक मेरे को दो, एक आप अपने पास रखो और कैलाश को भी दे दो। तो जयंती बहन ने बोला भले दादी। फिर मोहनी दीदी ने फोन किया कि कैलाश आप कब आना चाहती हो। हमने बोला मुझे तो पता नहीं है, आप जब बोलेंगे तब हम आ जाएंगे। तो मोहनी दीदी ने बोला कि मई जून जुलाई जो है इस समय तुम आप यहाँ आएंगी तो अच्छा रहेगा। तो हमने बोला भले। तो फिर दादी ने मतलब फिर दीदी ने बोला कि आप जब भी जाने वाली हो मेरे को बताना, मैं कागज तैयार करूंगी। मैंने कहा भले, लेकिन फिर रह गया। लेकिन एक बार अचानक हमारे को 2 साल पहले एक बहन ने ट्राई किया था, और फिर हमारे को 2 साल पहले अमेरिका का वीजा भी मिल गया। हमने कोई मेहनत नहीं की, कोई कागज नहीं लिए, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें मिस हम पासपोर्ट ही लेकर के गए थे, और वहां बोला उन लोगों ने कि आपके कागज वगैरह कहाँ हैं। मैंने बोला मेरे को बोला था कि पासपोर्ट लेके जाना तो वीजा मिल जाएगा। बोला बहन उसके लिए तो फाइल होती है, बैंक बैलेंस होता है, प्रॉपर्टी लेटर होते हैं। मैंने बोला मुझे तो पता नहीं था, किसी ने बोला नहीं, मैं ऐसे आ गई हूँ। तो ऐसे मैंने उसने थोड़े थोड़े प्रश्न किए और फिर बोला कि अगर कुछ भी आपको होवे तो खर्च कौन करेगा। हमने बोला हमारी संस्था करेंगी। के संस्था का लेटर लाई हो? मैंने कहा ना। तो बोला फिर हम कैसे माने संस्था करेंगी। तो हमने बोला हम देखो इतनी सारी जगहों में गए हैं, तो लंदन वगैरह सब जगह, तो हमारी संस्था ही ये सारा खर्च करती है। तो उसने बोला लंदन गई थी? मैंने कहा हाँ जी। तो उनको जो पासपोर्ट दिया था वो हमने उनके पास ही रखा हुआ था, वो उसने देखा, फटाफट पढ़ा और फिर बोला इतने सारे देशों में क्यों गई। हमने बोला ये सब देशों में हमारे सेंटर है और सेवार्थ हमारे को जाना होता है, तो सेवा भी करके आते हैं, देश देख करके आते हैं। तो के ठीक। बोला लेकिन बहन कुछ तो चाहिए ना, कोई तो मना कुछ भी तेरा आपका एक्सीडेंट हो गए तो फिर कौन खर्च करेगा। हमने बोला आप निश्चिंत रहो भैया, ये तो हमारी संस्था ही खर्च करती है।
फिर उन्होंने जो पुराने वाले पासपोर्ट वगैरह थे वो दे दिए, और फिर बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन बेन। मैंने कहा थैंक यू, पर किस बात का वो मैं समझी नहीं, और वो मुस्कुराता रहा। फिर बोला कि बेन, 2-3 दिन में आपको आपका पासपोर्ट और वीजा आपके घर पे आ जाएगा। ओके, मैंने कहा थैंक यू, तो के वेलकम माई देश। ऐसे करके बोल करके हम अच्छा भी खुश हो गए और वो भी खुश हो गया। और सच्ची मना, पर मैं आप तक वैसे अभी तक तो नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन आज हमारी बहन ने फोन किया, हाँ, और आप सब से मिला दिया है ना। तो बहुत बहुत आप सबको देख करके मुझे खुशी हो रही है। बाकी मैं 58 में बाबा के घर रहने लगी थी, 57 में ज्ञान में आई थी, और मम्मा बाबा सबको मिलने के काफी बार चांस मिले, मम्मा की भी खूब पालना मिली, लेकिन मेरे को सेंटर पर रहने का बहुत बहुत इच्छा थी, परंतु ऐसा था कि पढ़ी लिखी भी नहीं थी, स्कूल ही नहीं गई थी, और वैसे कुछ आता नहीं था, मैं बोलती भी नहीं थी, तो सब लोग मुझे अच्छी तरह जानते थे, तो उसके कारण हमारे को सभी ऐसा कहते थे कि कैलाश बहन आप कभी सेंटर पर नहीं रह सकेंगे। तो ये बोल सुन करके मुझे बहुत दुख होता था। तो जब बहुत मैं ऐसे दुखी होने लगी और सब बोलने लगे कि तू कभी सेंटर पर नहीं रह सकेंगे, तो बहुत दुखी होकर के मैं ऐसे सेंटर से फिर घर पे गई, और जो बहनें हमारे साथ सेंटर में ज्ञान में चलती थी उन्हीं बहनों को बुला करके मैंने कहा बहन आप से मैं लेटर लिखवाती हूँ, जो भी बोलूं वो लिख दो। तो उस समय पहला लेटर जब मम्मा बाबा को लिखा तो उसमें ऐसे लिखा कि बाबा मैं 11 साल की हूँ और मुझे सेंटर पर रहना है। तो मना सब लोग मना करते हैं कि आप कभी सेंटर पर नहीं रह सकेंगी, तो बाबा मैं सेंटर पर रह सकूंगी, ब्रह्मा कुमारी बन सकूंगी या नहीं? तो मम्मा बाबा ने बहुत प्यार से लेटर लिखा कि बच्ची आप योग करो और आप जरूर जरूर ब्रह्मा कुमारी बनेंगी। तो मैं बहुत बहुत खुश हो गई, दीदी ने लेटर सुनाया, तो फिर दीदी तो बाहर चली गई और थोड़े समय 10-12 दिन के बाद वापस आई। तो मैं बहुत खुश थी और मैं सब काम सीखने लगी थी, सब काम करने लगी थी, बहुत खुशी खुशी से सब काम करती थी। दीदी ने देखा कैलाश बहुत अच्छा कुछ सब कुछ करने लगी है, बहुत खुश दिखाई देती है। तो दीदी ने पूछा कि कैलाश खुश बहुत हो तुम क्यों? मैंने कहा दीदी मम्मा बाबा ने चिट्ठी लिखी है ना कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। तो दीदी ने बोला अरे मुट्ठी तू बुद्धू है क्या? तो मैं दीदी को देखती रही, दीदी ने बोला ये तो बाबा मम्मा ने तेरे को खुश करने के लिए लेटर लिखा है, सचमुच थोड़ी तू ब्रह्मा कुमारी बनेगी। तो न मैं बहुत ठंडी हो गई, मुझे बहुत दुख होने लगा कि मम्मा बाबा भी खाली खाली बोलते होंगे। फिर बहुत दुखी हुई और क्लास से उठ करके, क्लास पूरा हुआ तो उठ करके मैं नदी के किनारे, व्यास नदी थी वहां बैठ गई, और बैठी बैठी बाबा को याद करती रही करती रही। फिर हमारे लौकिक भाई भी बुलाने आए, भाई के साथ घर पे गई,
और जिन बहनों ने पहले लेटर लिखा था उन्हीं ही बहनों को फिर से बुला करके हमने बोला, मम्मा बाबा को मैंने लेटर तो लिखा था पर मम्मा बाबा को मैंने डिटेल परिचय नहीं दिया था, इसीलिए हो सकता है बाबा मम्मा को ख्याल नहीं आया हो और ऐसे ही बाबा ने बोल दिया होगा कि तू ब्रह्मा कुमारी बनेगी। तो मैं अभी डिटेल परिचय देती हूँ बाबा को। तो मैंने फिर से जब लेटर लिखाया तो बाबा को बोला, बाबा मैं 11वां साल मेरे को शुरू हुआ है और मैं स्कूल में नहीं पढ़ी हुई हूँ, मेरे को बिल्कुल पढ़ने नहीं आता है और मैं मना बोलती भी नहीं हूँ और मुझे कोई काम भी नहीं आता है पर मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। पर मेरे सभी भाई बहन, मेरे घर वाले, हमारे सेंटर वाले सब कहते हैं कि आप कभी ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकेंगी। अगर समझो ब्रह्मा कुमारी बनी तो भी आप थोड़े 1-2 महीने के बाद वापस घर ही आएंगी, तो पहले से ही आप सेंटर पर ना रह करके घर पे ही रहो। तो मेरे को बहुत दुख होता था। तो फिर बाबा ने, मम्मा ने इसका बहुत अच्छा उत्तर लिखा। बाबा मम्मा ने लिखा, मैंने जो लिखा था ना कि माना इतने सारी मेरे में कमियां हैं तो मैं आप मेरे को लिखो बताओ कि मैं ब्रह्मा कुमारी बन सकेंगी, मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो बाबा ने बहुत अच्छा लिखा। मैंने बाबा को ये भी लिखा था कि बाबा मैं कौन सा पुरुषार्थ करूं, मैं क्या ध्यान रखूं जो मैं सदा सदा काल के लिए आपके ही सेंटर पर और आपकी बन करके रहूं। तो मम्मा बाबा ने लिखा था कि बच्ची जब आप सेंटर पर आओ तो ऐसा सोचना सेंटर पर आने के बाद कि इस सेंटर के बाहर मेरा और कोई घर ही नहीं है, यही एक बाबा का घर मेरे लिए घर है, स्थान है, बाकी और कोई घर नहीं है। दूसरा मम्मा ने लिखा था कि मैं जीते जी इस घर में आई हूं बाबा के, मरने के बाद इस घर से मेरी अर्थी निकलेंगी मैं नहीं। तीसरा मम्मा ने लिखा था कि मन जहां बाबा रखे, जहां दीदियां दादियां रखे वहां मुझे रहना है, जिसके साथ रखे उसके साथ रहना है, जो खिलावे जो पहनावे वो मुझे पहनना और खाना है और सबका ध्यान मुझे रखना है। बाबा ने, मम्मा ने लिखा था कि तेरा ध्यान कोई नहीं रखेगा, तेरे को सबका ध्यान रखना है। और ऐसा भी लिखा था कि बच्ची बाबा के घर बहुत सारे लोग आएंगे, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको कभी भी किसी के भी साथ कोई भी ऐसी इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर पर चिंतन करके किसी के भी मनों को खराब नहीं करना है, दुखी नहीं करना है। तो भले ये बातें बहुत अच्छी तरह बाबा ने बताई थी मुझे और मैं बहुत खुश भी मना हुई कि बाबा ने, मम्मा ने सब कुछ मेरे को क्लियर बताया था, तो ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। दूसरा, हमारी जो दीदी कृष्णा दीदी थी अम्बाला में थी, तो फिर उन्होंने ऐसे बताया था कि कैलाश बहुत बहुत सेंटर पर रहना तेरे को मुश्किल लगेगा, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ आता नहीं था। तो वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था, दीदी ने मुझे काफी मजबूत बनाया था, सिखाया था।
और बहुत अच्छी तरह से हम सारा जाना, और बाबा ने मम्मा ने जो शिक्षाएं दी थी वो जीवन में खूब अच्छी तरह याद रही। उसके आधार से हमारे को लगभग 62 की 3 वर्ष हुए हैं, जो मना आज तक इतने पंजाब हिमाचल में राजस्थान में भी रही, और अभी 50-52 वर्ष से मैं यहाँ अहमदाबाद गांधीनगर हूँ। पर मेरे को कोई दुख नहीं पड़ा, कोई तकलीफ नहीं हुई, और बाबा ने जो बरदान दिया था मेरे को कि बच्ची आप जित मना बाबा की हो तो बाबा तेरे से सेवा कराएंगे। तो सच्ची मैंने देखा कि बाबा ने इतनी अच्छी तरह से मुझे कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं पड़ी, कुछ नहीं, बहुत सरलता से हमारा इतना लंबा चौड़ा जीवन की मुसाफरी सरलता से की। तो बाबा हमेशा साथ देते हैं और दे रहे हैं और सदा देते रहेंगे। दूसरा, मुझे ये बताया था कि बाबा अव्यक्त जब हुए उस समय और उससे पहले भी बाबा ने 2 बार मुझे वतन में भेजा था। जब मैं सबसे पहले बाबा के पास आई तब तो इतना परिचय नहीं था, तो बाबा के साथ कुछ बात नहीं हुई, लेकिन जब दूसरी बार बाबा के साथ पास में गई, मेरे को लगता है 61 में या 2 में गई थी बाबा के पास, तो बाबा ने जब सुना कि बच्ची ध्यान में जाती है, दीदी ने बोला कैलाश ध्यान में जाती है, तो बोला ये बच्ची ध्यान में जाती है, हाँ जी, तो बाबा ने बोला कि अच्छा बच्ची चलो बाबा के पास, और बाबा को याद भी देना, देख के भी आना कि ऊपर बाबा कैसे हैं। तो हमने बोला भले। तो बाबा ने वतन में भेजा, और भेजने के बाद फिर तुरंत बाबा ने, जब मैं आई बाबा के पास, तो बाबा ने पूछा कि बच्ची बाबा को देखा? मैंने बोला जी, तो मेरी याद दी थी। हमने बोला जी, तो बोला कैसे लगे बाबा, कैसे थे ऊपर? तो मेरे को तो भाषा वगैरह नहीं आती थी, तो मैं बोल गई कि बाबा ऊपर वाले बाबा मने बहुत अच्छे थे। तो बाबा ने पूछा कि बच्ची मैं? तो मैंने बाबा को बोला बाबा आप इतने अच्छे नहीं जितने अच्छे ऊपर वाले बाबा थे। तो बाबा ने बोला कि बच्ची ऊपर वाले बाबा ने पैंट शर्ट पहना था। मैंने कहा नहीं बाबा। तो बच्ची अच्छे थे बाबा, तो कैसे अच्छे थे? तो बाबा को बोला बाबा ऊपर वाले बाबा से लाइट लाइट निकल रही थी, आपसे नहीं निकल रही है। फिर उसके बाद बाबा ने बोला कि बच्ची कैसे थे बाबा? तो बाबा को हमने बोला बाबा बहुत प्रकाश प्रकाश था। तो बाबा ने बताया कि बच्ची कपड़े तो मेरे ही जैसे थे, तो प्रकाश पर मना प्रकाश प्रकाश जब मैंने दिखाया, तो बाबा ने बोला कि बच्ची ये जानती हो कि बाबा ऊपर में प्रकाश वाले हैं और मेरे में इतना प्रकाश नहीं है, तो उसका पता है क्या कारण है? हमने बोला मुझे नहीं पता। तो बाबा बतावे? तो भले। तो फिर बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि बच्ची जो बाबा साकार हैं, इसकी संपूर्ण स्टेज फाइनल स्टेज ऊपर दिखाई देती है, और ये बाबा तो पुरुषार्थी है, और पुरुषार्थ करते करते ऊपर वाले बाबा जैसा बन जाएंगे। तो ठीक है। और मतलब बाबा ऐसे ऐसे हमारे को पता नहीं चलता था, पर बाबा संदेशियों द्वारा
कई बार अपनी स्टेज कहाँ तक बाबा में मन पहुंचे हैं वो जान लेते थे, हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता था। बाबा ने लास्ट में भी, जब हम जयपुर में ही थी और बाबा अव्यक्त होने में थोड़ा 4-5 महीने थे, तो मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी और बाबा ने आबू में बुलाया, और आबू में बुला करके बाबा ने बात कर रहे थे तो बाबा ने झोपड़ी में बिठाया और कहा, बच्ची कौन से संकल्प चलते हैं? तो बाबा को बोला, बाबा बस अच्छे संकल्प नहीं चलते हैं। अरे बच्ची सुनाओ, कौन से संकल्प चलते हैं? बाबा बहुत खराब संकल्प चलते हैं। तो बाबा ने फिर पूछा कि बच्ची कौन से, बताओ बाबा को स्पष्ट सुनाओ। तो फिर बाबा को बोला कि बाबा मेरे को बार बार ऐसे संकल्प आते हैं कि आप हमारे से दूर हो जाएंगे। बाबा ने बोला कि बच्ची स्पष्ट बोलो, बाबा आप दूर चले जाएंगे? बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, जो भी संकल्प चलते हैं देखो किसके सामने बैठी हो। बाबा आपसे पूछ रहे हैं तो जो संकल्प चलते हैं ना वो सुना दो। बाबा को बोल दिया कि बाबा हमारे को चलती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, सोती हूँ, क्लास करती हूँ, काम करती हूँ, कुछ भी चलते फिरते यही संकल्प आता है कि आप ये शरीर छोड़ करके चले जाएंगे। तो बाबा एक आधी मिनट तक दृष्टि देते रहे, देखते रहे, देखते रहे। मैं भी बाबा से दृष्टि ले रही थी। फिर थोड़े समय के बाद बाबा ने बोला, बच्ची पता है ये संकल्प आपको क्यों आता है? मैंने कहा, नहीं पता है। तो बाबा ने बोला कि बच्ची तेरा योग अच्छा नहीं है ना, इसलिए संकल्प आता है। तो मेरे को तो 110% माना सच लगा। बाबा को बोला, बाबा मेरा योग लगता ही नहीं है, मैं रात दिन यही सोचती रहती हूँ, यही संकल्प चलता है, इसलिए बाबा मैं तो सचमुच मेरा योग नहीं लगता है। तो बाबा ने बोला कि बच्चे अब योग करना, अब तेरा योग लग जाएगा, अब ये संकल्प नहीं आएंगे क्योंकि तूने बाबा को सुना दिए, तो अब ऐसे संकल्प नहीं चलेंगे। लेकिन बच्चे ये जो संकल्प आता है ना वो और किसी को सुनाना नहीं। बच्ची 3-4 मास तू खास बाबा को याद करना। मैंने कहा, जी बाबा। तो उस समय बाबा ने हमारे को लगभग, मेरे को लगता है 25-26 दिन अपने पास ही रखा। बाबा सब जगह घुमाता था, कभी किचन में ले जाता था, कभी बाबा ट्रेनिंग वाले रूम दिखाता था, कभी बाबा ये बगीचे में ले जाता था, कभी बाबा बगीचे के पास वो बैडमिंटन खेलते थे। बाबा को बोलूं, बाबा मुझे तो खेलने ही नहीं आता है, तो बाबा कहते थे, बच्ची बाबा सिखाएंगे। तो माना मैं जो समझो 20-25 दिन बाबा के पास रही, तो उस समय बाबा ने सारा मेरी बुद्धि से सब कुछ निकाल दिया और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे दवाइयां भी नहीं लेनी पड़ी, दवाई बिना ही बाबा ने ठीक कर दिया। बड़े आराम से सब कुछ बाबा के पास देखती थी। इतने में बाबा ने बोला, बच्ची तू तो कब से बाबा के पास है, तो क्या सेवा के लिए जयपुर नहीं जाएंगी? बाबा को बोला, बाबा जाएंगी। तो बच्ची सब लोग तेरे को याद कर रहे हैं, अभी जाओ जयपुर सेवा करके आओ। भले, तो
फिर तो बाबा ने जयपुर भेजा उसके। जब बाबा जयपुर भेज रहे थे तो उसी समय बाबा ने बोला, बच्ची आज फिर से बाबा के पास जाओ। तो बाबा ने अपने ही पास बिठाया और जो वहां दो तीन बहनें बैठी थी, बाबा ने बोला, बच्चे अपना फल वगैरह सब ठीक करके आओ, तब तक बाबा बच्ची से बात करते हैं। और बाबा ने फिर बोला कि अच्छा बच्ची, बाबा के पास जाके आओ, मेरी याद देख के आओ और देख के आओ कि मेरे में और ऊपर बाबा में क्या फर्क है। तो फिर से जब भेजा बाबा ने, तो हमने जब वापस आई देख करके, तो बाबा ने पूछा, अच्छा बच्ची कैसे थे बाबा, बाबा को याद दी? जी बाबा। तो बच्ची कैसे थे ऊपर में बाबा? बाबा को बोला, बाबा आप ही ऊपर थे। बाबा ने बोला, नहीं बच्ची, बाबा थोड़ी ऊपर कोई जाता है, बाबा तो संदेश ही नहीं है ना बच्ची, तो बाबा ने इसलिए तो तेरे को भेजा। ऊपर कैसे थे बाबा? बाबा को बोलती थी, बाबा आप ही ऊपर थे। तो मुझे कुछ अंतर नहीं दिखाई देता था, कुछ होगा भी अंतर तो कुछ नहीं पता चलता था। बाबा को बोला, बाबा आप ही ऊपर थे। तो मन बाबा ने देखो पहले भी जान लिया 61 में कि मेरे में और ऊपर वाले बाबा में क्या फर्क है। तो बहुत फर्क दिखाई देता था, ऊपर वाले बाबा बहुत अलग लगते थे, प्रकाश प्रकाश वाले लगते थे, और नीचे वाले बाबा में प्रकाश दिखाई नहीं देता था। और लास्ट में जब बाबा ने भेजा तो दोनों ही बाबा एक ही जैसे लगते थे, कोई फर्क ही नहीं लगता था। तो बाबा ने देखो कितना हम सबके बीच में रहते हुए, सब कुछ करते हुए, कितनी अच्छी स्टेज को बाबा ने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लिया। हाँ, तो सब कारोबार तो था, बाबा को तो हमारे से भी जास्ती था, लेकिन फिर भी बाबा ने सबके साथ रहते हुए अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। और हमने ये भी देखा कि जो इतनी बड़ी हस्ती थी, हमने देखा कि जैसे बाबा कहते थे कि बच्चे ये जो ब्रह्मा बाबा है वो ही कृष्ण थे, लेकिन हमारे पास कितने साधारण रूप में रहे, और इतनी बड़ी हस्ती के साथ हम रहे, मम्मा के साथ भी रही, बाबा के साथ भी रही, हम लोग खेलते थे, खाते थे, खिलाते थे, बनाते थे, लेकिन जैसे लौकिक माँ बाप होते हैं, खाते रहते पीते सब कुछ करते हैं, इसी ढंग से रही। पर आज हमें भी थोड़ा सा ऐसे फील होता है कि इतनी बड़ी हस्तियों के साथ हमारा रहना हुआ, सब कुछ हम लोगों ने किया, लेकिन उस समय इतनी समझ नहीं थी कि कितनी बड़ी हस्तियां हमारे साथ है। और देखो लगभग 1.5 महीने के बाद ही बाबा अव्यक्त हो गए थे, और जब बाबा अव्यक्त हुए तो हम लोग जयपुर में ही थी, तो उस समय हमारे को ऐसा लगा कि किसी ने ऐसे ही कोई फोन कर दिया है। और वैसे तो कुमारका दादी ही बोल रही थी कि मैं कुमारका बोल रही हूँ और बाबा आप साकारी बाबा आकारी हो गए। तो आकारी हो गए मना क्या, उस समय ये भाषा ही नहीं थी, लेकिन फिर दीदी ने मना रुक्मणी दादी ने बोला कि कैलाश बहन जाओ आप बाबा से पूछ के आओ कि मना ये जो फोन आया वो सच्चा है या झूठा है। तो फिर हम गए बाबा के पास, तो जब योग करते करते ध्यान में गई, लेकिन वतन ना दिखाई पड़े, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, कोई लाइट नहीं, कोई बतन नहीं, कोई मम्मा नहीं, कोई बाबा नहीं, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। फिर वापस नीचे आई,
जब नीचे आए तो दादी ने बोला कैलाश बाबा ने क्या बोला, हमने बोला बाबा नहीं थे बतन में, तो मम्मा थी, मम्मा भी नहीं थी तो क्या था, बतन में रात थी। बोला कैलाशमन बतन में कभी रात नहीं होती है, पर दादी आज बतन में रात थी, आज बाबा भी नहीं थे, मम्मा भी नहीं थी, बतन भी नहीं है। तो दादी को ख्याल आ गया, दादियां तो बहुत एक इशारों में समझती थी, दादी को पता चल गया बतन में रात है मन बाबा नहीं। फिर दादी ने सबको बोल दिया, हम 50-55 भाई बहन जयपुर में रहते थे, म्यूजियम बन रहा था उस समय, बाबा जो कहते हैं कि हठ योगियों के सामने राजयोगियों का म्यूजियम होना चाहिए, वहां हठ योगियों का म्यूजियम था लेकिन राजयोगियों का बाबा ने बनवाया था, तो काफी लोग होते थे उस समय। तब उस समय बाबा ने जैसे ही शरीर छोड़ा, दादी ने बोला सबको जिसको भी जाना है मधुबन भले जाए। तो बाबा को, तो बाबा के रथ को रखा हुआ था, बाबा के रथ को तो फिर 21 तारीख को बाबा का मना अंतिम संस्कार वगैरह किया था, तो उस समय हम लोग भी मधुबन पहुंच गए थे। बाबा कितनी कितनी बड़ी कमाल के कार्य करके गए, कैसे कैसे बच्चियों द्वारा, बच्चों द्वारा पूछ लेते थे, जान लेते थे। हाँ दीदी, विशेष जो आपने बताया कि आप ट्रांस में जाती थी, तो क्योंकि हमारे साथ कई आत्माएं हैं जो जिनके लिए ट्रांस और ये अनुभव जो है, जो फर्स्ट हैंड सुना हुआ होता है, पढ़ा हुआ होता है, लेकिन आपने तो अनुभव किया है, तो एग्जैक्टली आपका ट्रांस का पार्ट क्या रहा है? वैसे ना मुझे ट्रांस में जाना बहुत पसंद नहीं था, और मैं जब योग में बैठती थी तो मुझे ऐसा लगता था, पहले छोटी थी मैं वैसे, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई गला रस्सी बांध रहा है और ऊपर ऐसे खींच रहा है, इसलिए मुझे बहुत डर लगता था कि मेरा गला घुट जाएगा, रस्सा टूट जाएगा, मुझे लग जाएंगी, ऐसे मुझे लगता था, तो इसलिए मैं योग में नहीं बैठती थी। और दीदी को कहती थी कि दीदी मुझे काम दो, मैं सेवा करूंगी, बाकी योग नहीं करूंगी। तो बहने तो यही कहती थी कि नहीं कैलाश चलो योग करो, पर जहां तक बने मैं योग में नहीं बैठती थी। एक बार हम होशियारपुर सेंटर पर ही थी और एक बहन का, बंदेली बहन का अनुभव सुन रहे थे, दीदी भी साथ में ही थी, तो वहां बैठे हुए थे और बैठे बैठे मेरे को भी काफी समय हो गया था, बाबा के पास नहीं गए थे मधुबन में, तो वो बहन का अनुभव सुनते ऐसे दिल कर रही थी कि मैं भी बाबा के पास जाऊं, मैं भी बाबा के पास जाऊं, मैं भी बाबा के पास जाऊं। तो ऐसा करते करते मुझे बहुत रोना आ रहा था, तो आंखों से कुछ आंसू बहने लगे, पर उसके बाद फिर थोड़े समय के बाद लगभग उसका आधा पौना घंटे तक अनुभव सुना, उसके बाद दीदी ने बोला कैलाश उठो अभी हम लोगों को नाश्ता दो। तो मैं सुन रही थी लेकिन मेरे हाथ पांव नहीं उठते थे, जैसे पैरालिसिस हो जाता है ना, ऐसे ढंग से नहीं पांव हिले नहीं हाथ हिले। फिर दीदी ने तो जो हमने नाश्ता बनाया हुआ था वो गर्म करके सबको खिला दिया, और फिर थोड़े समय में जब वो बहन चली गई तब दीदी ने बोला कैलाश तेरे को घर याद आ रहा है? मैंने बोला नहीं।
आपको मम्मी पापा याद आ रहे हैं? नहीं। आपको घर पे जाना है? नहीं। मना ऐसे बोलती नहीं थी, पर ऐसे से सिर हिलाती थी। तो फिर दीदी ने बोला, हो सकता है ये लड़की को बाबा बुला रहा हो, ध्यान में जाने वाली हो। तो बहन ने ऐसे हाथ से पकड़ा, और मेरे उस समय योग रूम नहीं होते थे, और क्लासरूम में बिठाया, और दीदी योग कराने बैठी। लगभग 1 घंटे तक दीदी ने योग कराया, और फिर मेरे को हाथ से ऐसे उठाया। और ठंडी के ही दिन थे, आजकल तो बहुत पंजाब में ठंडी होती है। तो दीदी ने फिर मेरे को मेरी खटिया पर बिठा दिया और ब्लैंकेट उड़ा दिया। मैं ऐसे वो दीवार के सहारे बिठाया था, बैठी रही। और बिठाने के बाद, थोड़े समय के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि जोरदार करंट लगा है, परंतु फिर पता नहीं चला। फिर मैं मना शनिवार सुबह को 9 बजे के करीब बाबा ने मेरे को बुलाया होगा, और सोमवार शाम को 5 बजे के करीब मैं नीचे आई। जब नीचे आई, तो जब मैं नीचे आ रही थी, तो बाबा ने ना बहुत सारे फल दिए थे। मैंने ही बर्तन में बगीचा देखा, बहुत अच्छे अच्छे फूल देखे, फल देखे, और मैंने तोड़ लिए। तो बाबा ने बोला, बच्चे क्या करेंगी? मैंने कहा, बाबा मैं सबको खिलाऊंगी। पक्का? मैंने कहा पक्का। ये अच्छा बच्ची, गारंटी करती हो? मैंने कहा जी बाबा। तो बाबा ने जब ये बोला, तो मैंने भी बोला कि मैं खिलाऊंगी। और बाबा ने बोला कि अच्छा बच्ची, खिलाना और मेरी याद भी देना। भले हम नीचे आई, देखने लगी कि कहाँ वो फल, तो फल नहीं मिले। फिर दीदियां हंस रही थी, चाय पी रही थी। बोला कैलाश, क्या ढूंढ रही हो? मैंने कहा दीदी, बाबा ने मेरे को बहुत सारे फल दिए थे और वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो दीदी वो सबको खिलाने हैं, तो दीदी संभाल करके रखना। दीदी ने बोला, अरे बहन जी, ऊपर से कोई फल आता है? मैंने कहा नहीं दीदी, मुझे बाबा ने बोला है कि बच्ची पक्का देंगी गारंटी, तो मैंने बोला था कि हाँ मैं खिलाऊंगी सबको। बोलो देखो, हमारे बड़े दीदी ध्यान में जाती है तो थोड़ी कोई फल लाती है। मैंने कहा उनको बाबा नहीं देता होगा, मेरे को तो दिए हैं। तो दीदी ने बोला, नहीं, ये तो तूने देखा है, बाकी बाबा देते नहीं है, बाकी भले कल फल ला देंगे और आप फल खिलाना। मैंने उस समय से लेकर के बाबा ने बुलाना शुरू किया था, परंतु ऐसे वैसे तो बहुत मेहनत लगती है जाने में, हमारे को काफी समय लग जाता है। पर कभी कभी जब बाबा को कुछ इशारा देना होता है या सावधान करना होता है, तो हम लोग भले ऐसे खेल रहे हैं या खा रहे हैं या ऐसे ही साधारण रीति से कुछ पढ़ रहे हैं या योग कर रहे हैं, तभी भी कई बार बाबा बुला लेते थे। ऐसे वैसे तो काफी समय तक हमें योग करना पड़ता है, तब बुलाते हैं। मैं एक बार उस हमीरपुर सेंटर पर ही थी, और चंद्रमणि दादी हमारे पास वहां आने वाले थे, तो हम लोग काफी फटाफट तैयारियां कर रहे थे, ब्रह्मा भोजन बना रहे थे, टोलियां बना रहे थे। तो मैं छोटी थी उस समय, तो मेरे को लगता है मैं 12 साल की होंगी। तो दीदी ने बोला कि कैलाश जाओ जाओ, चलो तुम फटाफट झाड़ू लगा के आओ। तो मैं छोटी थी इसलिए कुछ भी देखती थी,
तो वो चीजों के साथ खेलने लग पड़ती थी। तो झाड़ू लगाती लगाती मैंने देखा वो कि ये जो त्रिमूर्ति और झाड़ होता है, इस चित्र में लिखत होती थी। तो वो चित्र देख करके मैं सोचने लगी, मुझे सब का सब कुछ दिखाई देता है, सब मन, आंख, मुंह, नाक, सब कुछ ये लिखा हुआ भी दिखाई देता है, पर मुझे पढ़ना क्यों नहीं आता है? सब लोगों को पढ़ने आता है और मुझे पढ़ने क्यों नहीं आता है? दिखाई तो अच्छी तरह देता है। तो ऐसे जब मैं सोच में थी तो मेरे को ये भी साथ में सोच था कि बाबा, ये सब लोग देखते हैं और पढ़ते हैं, मुझे क्यों नहीं पढ़ने आता है? तो मैं ऐसे देखती रही देखती रही, और इतने में बाबा ने वतन में बुला लिया। जब वतन में बुला लिया होगा और पीछे दीदी मेरे को देखने आई होगी कि कैलाश काम कर रही है या खेल रही है, तो दीदी ने देखा कि मैं ट्रांस में चली गई हूँ। तो दीदी ऐसे दरवाजे पर खड़े रहे, और जब मैं नीचे आई तो नीचे भी जल्दी से तो नीचे नहीं आ जाते हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है। तो धीरे धीरे नीचे आई तो सामने देखा तो दीदी खड़ी थी। दीदी ने बोला, कैलाश तू बाबा के पास गई थी? मैंने कहा जी दीदी। तो क्यों क्यों गई? मैंने कहा दीदी पता नहीं, बाबा ने बुला लिया होगा। तो क्या क्या बोला बाबा ने? मैंने कहा बाबा ने ऐसे बोला कि जो किचन में काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उन बच्चों को बाबा की याद भी देना और कहना कि खाना बड़े ध्यान से बनावे और बाबा की याद में बनावे। तो बाबा को बोला जी बाबा मैं बोल दूंगी। तो दीदी बाबा ने बोला है कि किचन में अच्छी तरह से संभाल करके काम करे। तो बोला अच्छा चल चल, आप जल्दी जल्दी सफाई करो, अच्छी तरह काम करो। मैंने बोला भले। तो फटाफट फिर से झाड़ू वगैरह लगा के हम पानी भरने के लिए गए, क्योंकि उस समय तो इतनी कोई सुविधाएं टांकियां वगैरह नहीं होती थी। तो मैं डोल वगैरह मटके पानी के भर रही थी, और दीदी ने जैसे और फटाफट तैयारियां कर रहे थे। इतने में जो चने की दाल होती है ना, वो एक डोल भर करके पलाड़ी हुई थी। तो वो माना जब वो रात्रि को पलाड़ी होगी और सुबह को अच्छी तरह वो फूल गई थी, फूल करके दाल ऊपर आ गई और पानी नीचे रह गया। और उन माताओं ने ऐसे सोचा कि बहनों ने धुलाई करके दाल डोल में रखी है। तो खूब बड़ी कढ़ाई थी और तेल डाला हुआ था, खूब तेल गरम था, और जैसे ही वो डोल उठा करके उसमें डाले, वैसे ही उसमें पानी था और तुरंत मना आग लगी ऐसे। तो काफी थोड़ा सा मन नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कई लोगों के थोड़े थोड़े हाथ जल गए, थोड़े थोड़े पांव जल गए, ऐसे थोड़ा सा ही नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा नहीं। बाबा ने बचा लिया था सबको। लेकिन फिर जब दोपहर को ब्रह्मा भोजन का भोग लगाया और जो हमारी संदेशी बहन थी वो भोग लेकर के गई, तो उसको मैसेज दिया कि बाबा आज हमारे भंडारे में आग लग गई, ऐसा क्यों हुआ? तो बाबा ने बताया कि बच्ची, बाबा ने तो बच्चों को सावधान किया था। तो फिर बहनों ने बोला कि बाबा हमने तो ऐसा समझा कि ये कैलाश थी, छोटी बच्ची है, ये ऐसे खेलती खेलती चली गई होंगी बाबा के पास। हमने तो ऐसा सच माना ही नहीं कि बाबा मना आपने इतना पहले से इशारा दिया है।
तो हमने ये छोटी बच्ची का समझ करके ध्यान नहीं लिया, ध्यान पर नहीं लिया ऐसे। तो बाबा ने बहुत अच्छा बोला था कि बच्चे, बच्ची छोटी थी पर संदेश देने वाले बाबा तो छोटे नहीं थे ना बच्चे। हाँ, तो बाबा कई बार ऐसे ही बैठे बैठे हमारा ध्यान भी ना होवे लेकिन बाबा बुला लेते थे। और कभी जब हमारे को जाना होता है तो कई बार कितने कितने समय तक योग करेंगे तब बुला, बाबा बुलाते हैं। ये भी कई आत्मा का पार्ट होता होगा जो बाबा बुलाते हैं अपनी सेवा के लिए। दीदी आप अभी भी जाते हैं ट्रांस में? नहीं, अभी हमारे को जानकी दादी ने ही मना किया था, दादी ने और सरला दीदी ने, इसलिए फिर तब से लेकर के अभी तक नहीं गई हूँ। तो दीदी आ, आ, एक प्रश्न है किसी का कि क्या ब्रह्मा बाबा कभी भारत छोड़ के बाहर गए थे? ना, नहीं, राइट? ना, नहीं, कभी नहीं गए, राइट? और ना। अव्यक्त बाबा जो आपने जो अव्यक्त बाप दादा को देखा था ट्रांस में, तो वो सिर्फ आपको बाबा के आकार का, लाइट का स्वरूप दिखाई दिया, करेक्ट? ऐसा दिखाई देता है दीदी आप कभी? वो ऐसा है, जब हम देखो, मैं थोड़ा अधूरा आपको सुनाया है। राइट हमने जब दीदी, बाबा हमारे ने पास मेरे, थोड़ा टाइम है और यहाँ पे कई आत्माएं हैं जो आपको सुनना चाहती है, तो आप भले निश्चिंत होके सुनाओ, कोई बात नहीं। वैसे ना, हम जब बाबा ने हमारे को वापस मन, पहली बार जब बाबा ने जयपुर में भेजा था ना, और बाबा ने मुझे, मैं तो पढ़ी लिखी थी नहीं ना, तो वैसे जयपुर से जब बाबा के पास मैं गई, बाबा ने बुलाया था कि जयपुर में अच्छा लगता है, खुश हो। मैंने कहा जी बाबा। तो बाबा ऐसे ही देख रहे थे, बैठे हुए थे। बाबा ने देखते देखते बोला, बच्ची तू तो बहुत खुश थी, बहुत अच्छी थी, बहुत तेरे को सब लोग प्यार करते थे, और बच्चे तू क्यों ज्ञान में आई? तो बाबा को बोला, बाबा मुझे बहने अच्छी लगी। फिर बाबा ने बोला कि बच्ची और क्या अच्छा लगा? बाबा को बोला, बाबा आप भी अच्छे लगे। बाबा ने पूछा, बच्ची और क्या अच्छा लगा? तो बाबा को बोल दिया, बाबा मुझे बहने अच्छी लगती है। तो बाबा ने बोला कि बच्ची और? बाबा को बोला, बाबा मेरे को मुरली अच्छी लगती है। तो बाबा ने पूछा, मुरली रोज पढ़ती हो? तो बाबा को बोला, बाबा नहीं, मुझे तो पढ़ने ही नहीं आता है, मैं पढ़ी लिखी नहीं। तो बाबा ने ऐसे ही देखा तो बोला, बच्ची पढ़ना तो बहुत था, पढ़ी क्यों नहीं? तो बाबा को बोल दिया कि बाबा ड्रामा में नूंद नहीं होगा इसलिए नहीं पढ़ी। तब बाबा ने बोला कि बच्ची ये जो वैसे तेरे को सन्यासी बनना था, तो ये जीवन तेरी सन्यासी जीवन ही है। लेकिन बच्ची, ऐसे देखते देखते बाबा बोले, बच्ची तेरी तो उम्र भी बहुत छोटी है। तो बाबा को बोला कि मेरे को ना मरने का बहुत शौक था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था, कब वो दिन आवे जो मैं शरीर छोड़ू, कब वो दिन आवे जो मैं शरीर छोड़ू। मैं जल्दी मरूंगी वो तो मेरी जन्म पत्री में भी लिखा हुआ था, और जो भी साधु संत है उसमें भी बोला हुआ था। बाबा के पास जब मैं मिली थी तो बाबा ने भी बताया था कि बच्ची तेरी उम्र बहुत छोटी है। तो बाबा को मैंने यही बोला कि बाबा मैं कैसे मरूंगी, मुझे बीमार पड़ने का बहुत डर लगता था। तो बाबा से पूछा, बाबा मैं कैसे मरूंगी?
तो बाबा ने बोला बच्ची कुछ नहीं, काम करेंगी, काम करते करते सो जाएंगी और मर जाएंगी। तो मेरे से ऐसा बोला गया कि बाबा आप मिले उसकी मुझे खुशी है, पर मरने की बहुत बहुत खुशी है। तो बाबा ने तुरंत बोला बच्ची आप तो सेंटर पर रहती हो ना। मैंने कहा जी बाबा। तो बच्ची कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई कुछ तेरे को बोलता है ना? तो फिर बाबा ने बोला कि बच्ची फिर मरना क्यों चाहती हो? तो बाबा को मैंने बोला बाबा मैं मरूंगी ना तो छोटी बच्ची बनूंगी, और छोटी बच्ची बन करके मैं बहुत बहुत पढ़ूंगी और फिर बहुत सेवा करूंगी। तो बाबा ने बोला बच्ची पढ़ने के लिए मरना चाहती हो? जी बाबा। बच्ची पढ़ने के लिए मरना चाहती है? जी बाबा। बाबा ने बोला अरे बच्ची पढ़ने के लिए थोड़ी मरना होता है, बाबा तेरे को पढ़ाएंगा। तो बाबा को बोला बाबा मुझे तो बहुत लोगों ने पढ़ने के लिए मेहनत की है पढ़ाने के लिए, पर मुझे पढ़ना ही नहीं आता है। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले बच्ची पढ़ने नहीं आता तभी तो बाबा तेरे को पढ़ाएंगे। बाबा को बोला बाबा मैं तो इस जन्म में नहीं पढ़ सकूंगी, मैं मरूंगी तभी दूसरा जन्म लेके ही पढ़ूंगी। तब बाबा ने बोला नहीं बच्ची आज शाम को 5 बजे के आसपास आना और बाबा तेरे को पढ़ाएंगे। फिर बहुत बाबा ने तो फोर्स किया, शाम को हम गए होंगे 5-5:30 बजे बाबा की ऑफिस में, और ऑफिस में तो बड़ी बड़ी दीदियां दादियां बैठी हुई थी, तो लच्छू दीदी भी थी, ईशु दीदी भी थी। ईशु दीदी तो लेटर सुना रही थी, और जैसे मैं जाकर के खड़ी हुई वैसे ही बाबा ने बोला अच्छा बच्ची आ गई? जी बाबा। तो जो दादियां बैठी हुई थी दादियों को बोला ये बच्ची भी बैठेंगी। तो दादियों ने हमारे को बैठने की जगह की और मैं बैठ गई। फिर बाबा ने बोला कि देखो इस बच्ची को बाबा ने बुलाया है, और बाबा ये बच्ची जो है ना वो पढ़ी लिखी नहीं है, बाबा इस बच्ची को पढ़ाएंगे। तो सबको आश्चर्य लगने लगा। बाबा को बोला बाबा ये बालकी के पीछे आप इतना टाइम देंगे? बाबा इसको तो हम लोग माना कोई भी पढ़ा देगा, बाबा इसके लिए आप इतना समय क्यों गंवाते हो? बाबा ने बोला नहीं, बाबा ने इस बच्ची को बुलाया है तो बाबा ही पढ़ाएंगे। फिर ईशु दीदी को बोल दिया कि बच्ची बाबा बाद में ये लेटर सुनेगा और बाबा पहले बच्ची को पढ़ाते हैं। सभी दादियां बैठी हुई थी और बाबा ने लेटर पेड लिया और बाबा ने कहा देखो बच्ची बाबा को बहुत अच्छी तरह हिंदी लिखना पढ़ना आता है, लेकिन बच्ची तेरे को बाबा सिंधी में मुरली मना छपती है तो बाबा सिंधी में तेरे को पढ़ाएंगे। तो मुझे तो सिंधी में पढ़ाओ या हिंदी में पढ़ाओ या इंग्लिश में पढ़ाओ मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। तो बाबा ने फिर लिखना शुरू किया। जब लिख रहे थे बाबा एक डेड लाइन बाकी थी, उसी समय बाबा ने जैसे हमारे को बताया कि फोन आया जयपुर से, तो बाबा ने माना फोन ले लिया, बात कर रहे थे। फोन रखने के बाद बाबा हमारे को देखने लगे, देखते हुए बाबा बोले बच्ची तेरे को जयपुर में बुला रहे। तो मैं चुप थी। बाबा ने बोला बच्ची अभी ही तेरे को जयपुर जाना। तो
फिर भी मैं चुप थी। बाबा ने बोला, बच्ची तेरी ट्रेन का टाइम हो चुका है, अभी जाकर के तेरे को सब कुछ तैयार करना पड़ेगा। भले, मैं बहुत बहुत अंदर दुखी हो रही थी और मैं बाबा को बहुत दुखी होकर के बोली कि बाबा, मैंने सच बोला था ना कि पढ़ना ड्रामा में नंद नहीं है, ऐसे बोल करके बहुत रोने लगी। फिर बाबा, बच्ची चुप, लेकिन मेरे को ज्यादा रोना आ रहा था। बड़े प्यार से बाबा ने ढंग से युक्ति से शांत किया। फिर बाबा ने बोला, अच्छा बच्ची, तेरे जयपुर की दिनचर्या क्या है, तेरी क्या करती हो सारा दिन? तो बाबा को सुनाया कि बाबा मना सुबह को 3:30 बजे उठते हैं। उस समय ऐसा सिस्टम नहीं था योग करने का, लेकिन उठते थे जल्दी थोड़ा। तो ऐसे करके सारी दिनचर्या सुनाई। हम लोग 50 के आसपास होते थे, कई बार पार्टियां आती थी तो काफी लोग हो जाते थे। तो मना ऐसे काम रहता था, तो हम दो ही लड़कियां थी, एक माता हमारे को मदद करने आती थी घर से। इतने लोगों का खाना बनाना, नाश्ता बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़े सब कुछ करते थे, तो टाइम ही नहीं मिलता था सारा दिन। तो बाबा ने सारी दिनचर्या सुनने के बाद बोला कि बच्ची, आपको तो पूरे दिन में बिल्कुल टाइम नहीं है। मैंने कहा, जी बाबा। तो बाबा ने फिर ऐसे बोला कि बच्ची, दिन में तो टाइम नहीं है, लेकिन ऐसे करो कि आप रात्रि को जब सब सो जावे ना, उस समय तुम कॉपी पेन लेके बैठना और शिव बाबा तेरे को पढ़ाएंगे। तो जैसे बाबा ने बोला कि शिव बाबा तेरे को पढ़ाएंगे, तो मैं बहुत मुंझ गई कि ऐसे कैसे बाबा बोल रहा है। बाबा मधुबन में रह जाएंगे, मैं जयपुर पहुंच जाएंगी, और मनु शिव बाबा तो गोल गोल, वो भी ऊपर, तो वो बाबा मुझे कैसे पढ़ाएंगे। बहुत ऐसे चिंता जैसी हो गई। फिर मैं ऐसे करके बैठी थी, सोच रही थी। बाबा ने ऐसे करके किया, बच्ची बाबा पर विश्वास है? बाबा को बोला, बाबा विश्वास है तभी तो आपके घर पे रहती हूँ। तो बाबा ने बोला कि देखो बच्ची, जो बाबा बोल रहा है ना, उन बोलों पर भी विश्वास रखो। बाबा को बोला, बाबा मेरे को पूरा पूरा विश्वास, पूरा निश्चय है, पर मैं नहीं समझ सकती हूँ। शिव बाबा तो ऊपर है और गोल गोल है, आप मधुबन में रह जाएंगे, मुझे जयपुर भेज रहे हैं, बाबा मुझे कैसे, बाबा शिव बाबा मुझे पढ़ाएंगे। बाबा ने बोला, बच्ची बाबा जो बोल रहा है ना वैसे ही करना, कॉपी पेन लेके बैठना। हमने आनंद किशोर दादा से कॉपी और पेंसिल दादा ने दी और लेकर के वहां बैठ गई। और फिर जब सारा मन बाबा के पास से हम जयपुर तो वहां पहुंच गए थे, सारा दिन तो अच्छी तरह व्यतीत हुआ, पर जैसे जैसे रात पड़ने लगी, वैसे वैसे ही मेरे को चिंता ज्यादा बढ़ने लगी। मैं सोचने लगी कि कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता, बाबा तो मधुबन में रह गए, बाबा तो मधुबन में रह गए। ऐसे सारा मन बहुत जास्ती भार हो गया था सिर पर इतने में जब रात्रि को सब सो गई बहने, हम 5 बहने साथ में सोती थी, दादी के साथ ही हम लोग सोते थे, तो उसी समय फिर मेरे को नींद ही ना आवे। मैं सोचू कैसे बाबा पढ़ाएंगा, कैसे पढ़ाएंगा। फिर मैं उठी और दादी की ही ऑफिस सामने थी, वहां बैठ गई कॉपी पेन लेकर के, और बाबा को याद भी करती थी, चिंता भी होती थी,
पर बाबा ने बोला था बाबा को याद करेंगे तो शिव बाबा पढ़ाएंगे। फिर याद करने लगे, याद में बैठे बैठे बाबा ने ट्रांस में बुला लिया। और जब बाबा के पास गई तो ऊपर हमने देखा कि बाबा सामने से आ रहे हैं और मैं जा रही थी। बाबा ने मेरे को देख करके बोला, बच्ची आप तो बहुत चिंता करती हो। तो बाबा को बोला, बाबा आपने बोला था शिव बाबा पढ़ाएंगे, तो शिव बाबा कैसे मुझे पढ़ाएंगे? तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि अच्छा बच्चे, रोज बाबा मधुबन से तेरे को पढ़ाने आएंगे, फिर तो पढ़ेंगी ना बच्चे। पापा को बोला, जी बाबा मुझे अव्यक्ति पार्ट का कुछ मालूम नहीं था कि ये बाबा की संपूर्ण स्टेज ऊपर बाबा दिखाता है। पर काफी सालों के बाद हमारे को पता चला कि साकार बाबा की संपूर्ण स्टेज ऊपर है। तो फिर बाबा ने बोला, रोज बाबा आएंगे बच्ची पढ़ाने के लिए, फिर तो पढ़ेंगी ना बच्ची। जी बाबा। फिर जो हम बाबा ने बोला था कॉपी पेन लेके बैठना, तो वो कॉपी पेन हमने लिया हुआ था। और वही कॉपी और पेन में बाबा ने बर्तन में मेरे हाथ में पेन दी और मेरा हाथ बाबा ने पकड़ा, और बच्ची शिव बाबा ऐसे लिखने का, ब्रह्मा बाबा ऐसे लिखने का, मम्मा ज्ञान योग ऐसे ज्वाइंट अक्षर बाबा ने पढ़ना लिखना सिखाया। मैं लगभग 8 या 9 दिन तक हर रोज गई थी, 10-15 मिनट बाबा रखते होंगे, ऐसे करके पढ़ना लिखना सीखी थी, बाकी मैं स्कूल में नहीं गई। तो उस समय बाबा ने मेरे को बोला कि बच्ची मना, देखो बाबा तेरे को बतन में पढ़ाएगा, तो बाबा की जो संपूर्ण स्टेज है ना वो बतन में दिखाई देती है। वास्तव में साकार बाबा तो नीचे ही होते थे ना, परंतु बाबा की संपूर्ण स्टेज जो थी उसके द्वारा भी बाबा ने कितना कुछ कार्य किया है आज तक। और ऐसे ऐसे माना कितने कैसे अनुभव थे हमारे, जो बाबा कैसे कैसे मना इशारे दे देते थे या बता देते थे, ऐसे ऐसे बाबा ने मना आगे बढ़ाया, सिखाया और चलाया। जी, आप तो आपके वहां पर 10 बज रहे हैं, लेकिन एक आत्मा का बर्निंग क्वेश्चन है कि जैसे बाबा कई बार ट्रांस में ले जाते, तो आपने कहा कि दादी ने मना किया कि अभी ट्रांस में नहीं जाना है, तो क्या ट्रांस में जाना न जाना हमारे हाथ में होता है? ऐसे नहीं, लेकिन हमारे हाथ में भी थोड़ा तो होता ही है, हमारे को खास योग में तो बैठना पड़ता है ना, थोड़ी बहुत स्मृति तो रहती है ना। जैसे हम लोगों को रहता है कि भाई सुबह 4 बजे हम बाबा को याद करेंगे तब तो उठते हैं ना, ऐसे हमारे को कोई भी बोल देगा दीदी दादी की कलश वंश आज बाबा को भोग लगाना है या आज बाबा के पास से ये पूछ करके आना है, तो फिर उस प्रकार की याद होती है ना, ध्यान में जाने की याद में और वैसे रोज की याद में थोड़ा फर्क होता है। ओ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमें नहीं पता था कि उसमें फर्क होता है, कि ध्यान में जाते हैं तो बाबा जब रस्सी खींचते हैं तो वो याद, और नॉर्मली जब हम बाबा को याद करने बैठते हैं वो अलग होती है। तो दीदी, जब आप भोग लगाते हैं तो आपको ऐसे कोई ट्रांस के अनुभव भोग लगाते समय होते हैं गुरुवार को? नहीं अभी मना, नहीं होते हैं। अभी मैं ऐसे कुछ जाती ही नहीं हूँ और ऐसे संकल्प भी नहीं करती थी मैंने। वैसे ये जब छोड़ दिया तो हमारे को अपनी गुलजार दादी इनको जब पता चला था कि मैं ध्यान में नहीं जाती, तो दादी ने मेरे को खास बोला, कैलाश
ये बाबा का तेरे को वरदान मिला हुआ था, बाबा की बहुत बड़ी जबरदस्त गिफ्ट थी, और आपने मना करती मना ये आप जाती नहीं है दादी को, ठीक है दादी ने तेरे को मना किया पर ध्यान में जाने का थोड़ी मना किया, भोग नहीं लगाने का था, संदेश नहीं लाने का था, पर कम से कम बाबा को पास तू जा, गुरुवार को भोग भी लगाओ लेकिन संदेश नहीं लाओ, पर ये जो गिफ्ट थी ये क्यों छोड़ दी तूने? दादी को बोला दादी बस ऐसे हो गया, पर जब दादी जी के लिए पूछने के लिए जाना था, जानकी दादी की जब तबीयत ठीक नहीं थी, तब फिर दादी गुलजार दादी की भी जब तबीयत नहीं अच्छी थी, तो उस समय जब हमारे को बोला था कि बाबा से कुछ किया हो, तो मैंने काफी ट्राई किया था लेकिन फिर बाबा ने नहीं बुलाया बदन में। तो और दीदी आपको सतयुग का कुछ दिखा है? सतयुग की कोई बातें बाबा ने शुरू लिखी है? शुरू में बहुत बार देखते थे लेकिन लास्ट में नहीं, शुरू शुरू में जब जाते थे तो देखते हैं। और दीदी आपको शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ या शिव बाबा का कुछ ऐसा ट्रांस? मुझे पता नहीं चलता बाबा का ऐसा, शिव बाबा का हमने कुछ ऐसे नहीं देखा, पर जब भी बाबा के पास जाते थे तो मम्मा को या बाबा साकार बाबा को ही देखते थे। थैंक यू दीदी, आपके 10 बज गए हैं, आपके भी सोने का समय हो गया है, और आपने इतना अपना अमूल्य समय इतनी रात को भी सेवा, आप एग्जाम्पल है जो बाबा ने आज की मुरली में बताया कि आपको आराम पसंद नहीं बनना है, राइट दीदी? इतने वरिष्ठ होते हुए, सीनियर होते हुए भी रात को 10 बजे तक सेवाएं देते हैं, राइट? तो अरे कुछ ऐसे कुछ नहीं है। तो हमें अच्छा कुछ तो सीखना चाहिए ना दीदी से। रात को 10 बजे भी अगर बहन कहे कि सेवा के लिए तैयार हो जाओ, तो तैयार हो जाना है ना दीदी ने प्रैक्टिकल स्वरूप बन के दिखाया। तो बाबा मम्मा की ये पालना और ये शिक्षा है दीदी। अब हमें और तो कुछ जी है, लेकिन तो आप समय हो चुका है लेकिन हम जरूर आपसे बाबा वैसे की। वैसे हाँ जी, हाँ दीदी, तो क्या है कि ये एक मन सेवा अर्थ बाबा ने बोला था कि ये जो ध्यान का पार्ट है ना बच्ची, इससे बाबा बहुत सेवा करेंगे। जब बाबा ने हमारे को जयपुर भेजा था तो खास भोग लगाने के लिए भेजा था, और मैं जब यहाँ अहमदाबाद आई थी तो दादी ने मेरे को 5-6 दिन के लिए ही भोग लगाने के लिए भेजा था, पर मैं अभी तक अहमदाबाद में गांधीनगर में हूँ। वैसे एक बात बताऊं कि बाबा ने एक बार एक भाई किया यहाँ एक्सीडेंट हुआ था अहमदाबाद में, तो वो जैसे एक्सीडेंट हुआ उसी समय शरीर छोड़ दिया था, और छोटी उम्र थी 33-34 साल का ही था, और जब वो मन मर गया था, शोक सभा रखी थी तो सब लोग बहुत रो रहे थे, बहुत दुखी हो रहे थे, तो हमारा भी एक ज्ञानी भाई गया हुआ था, उसने हमसे पूछा भाई मरते तो सब काफी लोग हैं लेकिन क्यों इतना ज्यादा ज्यादा रो पीट रहे हैं कितना सारा? तो उन्होंने बोला हमारा लड़का बहुत छोटा था और उनके 2 बच्चे हैं, पत्नी सब लोग परिवार है, और वो चला गया, तो वो एक्सीडेंट में मर गया, अभी क्या पता वो कहाँ पर जन्म लेगा या नहीं लेगा या ऐसे भटकेंगी आत्मा, तो हमारे को दुख होता है। तो उसने बोल दिया कि हमारे सेंटरों पर हर गुरुवार को बाबा को भोग लगाते हैं, तो हम बाबा से पूछ करके बताएंगे कि आपके लड़के की आत्मा किस
किस स्थिति में है। उसने बोला उसकी माँ ने कि जो भी पूछना पड़े आप पूछना और हमारे बच्चे का समाचार हमारे को सुनाना। तो जब माना वो शारदा बहन जो अभी भी स्टेज पर होती है मधुबन की, वो उसके पास भाई जाता था तो वहां शारदा बहन को बोला कि शारदा बहन हम ऐसे से एक भाई के शोक सभा में गए थे तो ऐसे मर गया है एक्सीडेंट में, बहुत उसके घर में दुखी हो रहे हैं तो भोग लगाना है। उसने बोला कि वो ज्ञान में चलता था कि नहीं, उसके घर वाले कोई ज्ञान में चलते नहीं, कोई संबंधी चलते तो नहीं, तो बोला फिर हम भोग नहीं लगा सकते हैं। फिर सरला दीदी से पूछा, दीदी ने भी मना किया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है बाबा से पूछो, अगर बाबा बोले तो भोग लगाएंगे, नहीं तो फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। फिर दीदी ने हमारे को भी बोला कलश जाओ बाबा से पूछ के आओ। मैंने कहा दीदी ज्ञान में कोई नहीं चलता है तो क्या समझेगा बाबा बाबा, दीदी हम लोग नहीं भोग लगा सकते। दीदी ने बोला कलश बहन हमने सब कुछ उसको समझाया है और वो नहीं मान रहे हैं, बोलते हैं बाबा से पूछा हो तो बड़ा भाई है गुजरात का तो आप पूछ करके आओ। तो फिर हम पूछने गए, जब बाबा से पूछा सारा बाबा को बताया तो बाबा ने बोला कि बच्ची भले भोग लगाओ। बाबा को बोला बाबा हम लोगों ने मना कर दिया है उसको, बाबा ने बोला भले मना कर दिया है फिर भी भोग लगवाओ, बच्ची भोग लगाने में कल्याण है, बहुत बड़ी सेवा समाई हुई है और भले भोग लगाओ। भले फिर दीदी को बताया, दीदी ने उस भाई को बताया कि भले भोग लगाओ, वो तो बड़ा खुश खुश हो गया। और फिर दो तीन दिन के बाद भोग लगाया, शारदा बहन ने बोला कलश बहन आप अहमदाबाद आकर के भोग लगाओ। फिर भोग लगाने गए तो मींस भोग लगाया तो वो भाई जो था वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलता, कुछ ना बोला। हमने बोला आपके घर से याद दी है माँ बाप ने, भाइयों भाभियों ने, बच्चों ने, पत्नी ने तो उसने सब कुछ सुन लिया पर एक भी बोल ना भूले। फिर हमने ये भी बोला कि देखो मना ये भोग भी लाए हैं और आपके लिए खास है तो उन्होंने ना वो थाली ऐसे नमस्ते नमस्कार करके और वो जो भोग ले गए थे वो खाया और वो खाने के बाद इतना ही बोला कि आप जब दूसरी बार आएंगी ना तो जो भी प्रश्न आपने पूछे मेरे से उसका जवाब मैं दूसरी बार जब आएंगे ना तब दूंगा। तो मेरे को ऐसा हुआ कि कितनी मुसीबतों से तो अभी आई, सब लोग मना कर रहे थे कर रहे थे कर रहे थे और अभी मैं आई हूँ तो वो वही बोलता है कि दूसरी बार जब आएंगे ना तब मैं ये इसका जवाब दूंगा। तो दीदी पूछे कैलाश कुछ तो बोला होगा ना, कुछ तो बोला होगा, दीदी कुछ भी नहीं बोला। तो दीदी ने बोला कि मना कुछ माँ बाप बच्चों के लिए कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। बोला ठीक है। तो उसका भाई जो बड़ा था वो खड़ा हुआ और उसने बोला कि देखो मेरे भाई का ये संस्कार था, कभी भी हम लोग बोले कि दिल्ली जाना है तो वो बोलेंगे कि मैं सोच करके दो तीन दिन के बाद जवाब दूंगा। तो बोला शरीर छोड़ने के बाद भी उसने वही काम किया, उन्होंने कहा मुझे पता नहीं। तो फिर जब तीन चार दिन के बाद फिर से भोग लगाया और फिर से भोग लेकर के गए तो जैसे ही बतन में गई वैसे ही वो उठ करके खड़ा हुआ, बोला दीदी आओ आओ।
तो मैंने बोला आप पहचानते हैं? तो बोला हाँ जी बहन, मैं आपको पहचानता हूँ। कैसे? बोला आपने अहमदाबाद में मणिनगर में प्रदर्शनी लगाई थी, वो प्रदर्शनी मैंने देखी थी, बहुत अच्छी थी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी जब शादी हुई थी तो मैं आबू में गया था, और आबू में जो म्यूजियम है उस म्यूजियम में 3 दिन की शिविर की थी, तो मुझे बहुत अच्छा डिटेल में परिचय मिला था, बहुत अच्छा लगा था। आपकी संस्था बहुत अच्छा काम करती है। मैंने बोला अच्छा, तो बोला कि मैं आपकी संस्था को अच्छी तरह जानता हूँ। भले, फिर मैंने बोला कि आपकी मम्मी पापा ने पूछा है, कोई आपकी इच्छा हो, कुछ आपको कहना हो, कोई संकल्प अधूरा रह गया हो, तो आपकी मम्मी कहती है मैं पूरा करूंगी। तो उसने बोला कि मेरी मम्मी ने मेरे को सब कुछ दिया है, सब संकल्प पूरे किए, मम्मी ने पापा ने खूब अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया, खूब आगे बढ़ाया, लेकिन जब मुझे मेरे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए उसी समय में उस समय वहां नहीं रहा, और बोला मैं पैसे देने के लिए जा रहा था, किसी से उसने पैसे लिए थे 40,000 वो देने जा रहा था, तो माना रास्ते में रॉन्ग साइड ट्रक आ रही थी, और वो भी स्पीड में था, वो भी ट्रक स्पीड में थी, और तुरंत जोरदार ट्रक से अथड़ाया, ट्रक के नीचे आ गया, ट्रक ऊपर से घूम गया और मर गया। और बोला कि जो पैसे थे वो पुलिस वालों ने ले लिए थे, तो पैसे उनको नहीं मिले हैं, मम्मी को बोला पैसे दे देवे मेरे फ्रेंड को। और फिर दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि मेरी और कोई इच्छा ही नहीं है, परंतु मैंने एक प्लॉट लिया था, जमीन ली थी, मैंने भी ली थी, मेरे फ्रेंड ने भी ली थी, मेरे फ्रेंड ने ज्यादा जमीन ली थी, मैंने थोड़ी कम ली थी। तो बोला कि जो मैंने मना वहां मुझे कुछ करने का था, पर अभी तो मैं कर नहीं सकता हूं, तो अभी वो जो प्लॉट है उसमें अगर बाबा का सेंटर बने तो बहुत बड़ी सेवा हो सकेंगी, तो मेरे को इच्छा है कि उस जगह पर बाबा का सेंटर बने। तो हमने बोला भैया आपकी जगह कहाँ है, कौन सी जमीन है, वो हम तो कुछ जानते नहीं है। बोला वो मेरा फ्रेंड जानता है, और फ्रेंड के पास ही सब कागज है। मैंने बोला आपके फ्रेंड को भी हम नहीं जानते हैं, उसका क्या नाम है, कहाँ रहता है। बोला अभी वो माना अपने ऑफिस में जा रहा अभी वो ऑफिस जा रहा है और सेंटर के बिल्कुल नजदीक से जाता है, तो मैं अभी उसको सेंटर पर भेजता हूँ, वो सब कुछ बता देगा, आप जब तक पहुंचेंगी तब तक वो भी पहुंच जाएगा। न बोला भले। तो फिर जब हम बाबा के पास से नीचे आए और संदेश सुना रहे थे, तो एक भाई आकर के बैठा, उसने सारा संदेश सुना, और संदेश सुनने के बाद उसने बोला कि अब मना जो भाई ने संदेश सुनाया उसने मेरे को बोला था कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक जमीन के बारे में हमारे घर पे नहीं बताना, नहीं मेरी पत्नी को, नहीं माँ बाप को, लेकिन आप तो मेरे फ्रेंड को नहीं जानती थी, इसीलिए आज उसने ही सब कुछ बता दिया,
मैं भी बता देता हूँ कि वो जो जमीन है वो मैं और मेरे फ्रेंड ने ली थी, और जो माना ये जमीन जो है उसके कागज भी मेरे पास है। तो मैं शाम को जब ऑफिस से आऊंगा तो मैं मम्मी पापा को ये कागज दे दूंगा। और जो जो जमीन है अगर आप लोगों को देखनी होगी तो मैं दिखा भी दूंगा। बाकी मेरे को मना किया था इसलिए मैंने किसी को नहीं बोला था, अभी तो उसने ही सब कुछ बोल दिया इसलिए बोल देता हूँ। तो अभी जो अंबाजी में सेंटर है, आबू के पास जो अंबाजी है वो जो सेंटर है, तो अभी भी वो सेंटर वही जगह पर बना हुआ है जो भाई ने शरीर छोड़ा था और देने की इच्छा थी कि इस जगह पर सेंटर बने, तो अभी उसी जगह पर सेंटर है। तो कैसे देखो आत्माएं, एक संकल्प रह जाता है तो गई हुई आत्मा ने भी कैसे वतन से संदेश दे करके, और हम लोग कितने समय से जगह ढूंढते थे सेंटर के लिए कि कोई सेंटर के लिए मकान मिल जाए, जमीन मिल जाए। कई बार बाबा से हमने पूछा भी था तो बाबा कहते थे बच्ची समय आने पर अपने आप ही सामने से मिल जाएगा, परंतु हमें ये पता नहीं था कि ऐसे ढंग से मिल जाएगा। लेकिन देखो कैसे बाबा ने संदेश दे करके भी सेंटर खुला दिया ना। ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक यू सभी दीदी। मम्मा जब जलंधर आई थी ना तो उस समय हम लोग छोटे छोटे ही थे, परंतु हमारी दीदियां हम लोगों को बोलती थी कि जो ग्रामोफोन हम लोग रिकॉर्ड बजाते हैं ना बाबा की मुरली के, उन गीतों पर ही अपना दीदी ऐसे बोलती थी कि भाई मम्मा बाबा ज्ञान योग आना चाहिए, तो वो ना माने चाहिए, तो इसलिए हम लोग चेंज करते थे। हमारे को ये पता नहीं था कि वो फिल्मी गीत होते हैं। तो मम्मा के लिए हमने गीत बनाया था और जलंधर में गाया था 63 में। अभी हमारे को बहुत याद तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको सबको सुनाती हूँ 2 लाइन। ठीक है। प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी, प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी, आज पधारी मम्मा सोना पगधारी रे, प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी। आप तो आई मम्मा पावा को नलाई रे, अपने कन्हैया को संग क्यों न लाई रे, संग क्यों न लाई मम्मा बड़ा पुछताए रे, प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधार। ओम शांति। दीदी लास्ट 1 मिनट, पावरफुल दृष्टि आपकी सबको। हाँ जी। तुम्हारा प्यार हो
खुशियों का सब संसार मिलता है।